गुना में जमीन विवाद व भू माफिया द्वारा घर को जेसीबी से तोड़ने का विरोध करने पर परिवार के 3 सदस्यों का जलाने का मामला तुल पकड़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियां इस घटना का विरोध करते हुए पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस कड़ी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की, वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि भू माफिया पहले दिन मकान को तोड़कर चले गए, दूसरे दिन जिंदा जलाने का प्रयास किया। बिहार में इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा आए हैं। इससे पहले भी हमारी पार्टी के सदस्य यहां पर आ चुके हैं और लगातार सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत पड़ी तो कानूनी राय लेकर उच्च न्यायालय भी जाएंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि इस मामले की जांच SIT से हो और प्रेस से आग्रह करेंगे कि निष्पक्ष होकर पीड़ित परिवार को मदद करें। दरभंगा के नेता और भू माफियाओं के खिलाफ हमारा आंदोलन शुरू हो गया है और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आइए हम सुनते हैं। SP साहब, आज मेरा जानकारी मिली और आपने प्रेस रिलीज भेज दिया, लव लेटर है क्या? अभी तक अविनाश झा गिरफ्तार क्यों नहीं? शिव कुमार झा और जिसने जमीन जबरदस्ती रिश्तेदारी इनके परिवार के लोगों ने दिया, 30 साल से हैं, कोर्ट का तो ऑर्डर है, 30 सालों से जो लगातार अब वो उस घर का मालिकियत का अधिकार बनता है, 30 साल तक आप कहां थे? फिर ये कोर्ट में जीतते रहे, हाई कोर्ट गए, थाना में इन्होंने कंप्लेन किया, गायब रहे। SP साहब का जो आया है, मैं 8 आदमी को यहां गिरफ्तार कर लिया, CCTV फुटेज, शिव कुमार झा और थाना प्रभारी के मोबाइल का प्रिंट ऑर्डर निकाली टोटल, और जिसने घर बेचा क्या, कौन सी, कपलेश्वर सिंह, शिव कुमार झा, कपलेश्वर सिंह, थाना प्रभारी की बातचीत किससे किससे हुई, कौन कौन विधायकों से हुई? सर, कौन आका है क्या है मैं नहीं जानता हूं। एक आदमी पप्पू यादव के साथ ना रहे, फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये आप जान लीजिए। अच्छा, लेकिन जो घटना है, उस घटना में 4 लोगों को जिंदा जलाने का बात है भैया, आप इससे बड़ा रूडली एक दिन आकर के आतंक मचा करके तोड़ के चला गया और दूसरे दिन आ करके जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, इससे बड़ा बिहार में और आतंक हो क्या सकता है? मैंने इस नेचर ऑफ वे जो है क्राइम का, उसको मैंने गंभीरता से देखा, तब तो हम आए, हम वहां गए, इसके पहले भी हमारे पार्टी के लोग यहां आ चुके हैं और आज लगातार सभी लोग यहां खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितना पैसा चाहिए इन थानेदार, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अपराधी और माफिया, कितना? पूरी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि राज दरभंगा महाराज की कितनी जमीन किस किस ने बेच दिया, एम्स की जमीन किस किस ने बेच दिया, कौन कौन माफिया इसमें इन्वॉल्व है। जरूरत पड़ेगी तो कानूनी राय लेकर हम इस मामले को हाई कोर्ट जाएंगे। जी बोल। हम सब 10 तारीख 6 बजे के आसपास गए तो SP ऑफिस से हम लोग को भेजा गया कि थाना पे जाइए, आप लोग का कंप्लेन दर्ज कर लिया जाएगा। हम लोग गए थे तो थाना प्रभारी बोलता है राकेश कुमार सिंह, जो पे एप्लीकेशन ले लिया, उसके बाद कहता है कि 9 तारीख को रात में तुम ही फ़ोन किए थे। हम बोले हाँ फ़ोन किए थे, तो क्या हम उड़ के आ जाते? बोले नहीं सर, लेकिन वहाँ पे हम लोग के साथ घोड़ा था, मारपीट, तो आप नहीं आए। बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, ये एप्लीकेशन दे दो, आके अकेले में हमसे मिलो। कौन बोले, SP साहब? जी नहीं, थाना प्रभारी, थाना का प्रभारी राकेश कुमार सिंह।
पूछे क्यों मिले आपसे अकेले में, तो बोला कि जमीन का पेपर वगैरह लेके शनिवार को दिन सीईओ साहब यहाँ बैठते हैं, उस दिन आके हमसे तुम मिलो। हम इस चीज़ पूछे कि हम आपसे अकेले में आके क्यों मिले, क्या बात है, बोला कि जमीन का पेपर लेके मिलना और इस चीज़ को जो है सो हम अभी रख लेते हैं एप्लीकेशन को, शनिवार को सीईओ साहब आते हैं, सीईओ साहब के साथ में हम रहेंगे, वहाँ पे आके हमसे मिलना और मिल के जो है पेपर देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब पेपर लेके गए थे? नहीं, उसके पहले तो जिस शाम में उनको हम दे के आए उसके रात में तो यहाँ पे जो है सो यही कार्य कर दिए हम लोग के साथ। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।